बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिलाइल एक्ने की। फिलाइल एक्ने एक्चुअली होता क्या है? बहुत से पेट ओनर्स इस फिलाइल एक्ने को जनरली किसी डर्ट से या समटाइम्स फ्लीस के साथ कंफ्यूज कर देते हैं। फिलाइल एक्ने एक्चुअली होता क्या है, आज हम इस पे बात करेंगे। फिलाइल एक्ने ये होता है कि कैट्स के इस वाले रीजन पे, इस कैट्स के इस लिप्स वाले रीजन पे, ये जो इसके सराउंडिंग है, इस एरिया में आपको ब्लैक डर्ट टाइप नजर आती है। मजीद जो इसकी क्लेरिफिकेशन है वो आपको ये जो पिक्चर्स नजर आ रही है इसमें हो जाएगी। फिलाइन एक्ने एक्चुअली बेसिकली होता क्या है, अब हम देखते हैं कि फिलाइन एक्ने किस लेवल तक हो सकता है। समटाइम्स फिलाइन एक्ने खुद ब खुद ठीक हो जाता है, उसको आप हल्का सा क्लीन करते हो किसी वेट क्लोथ से या फिर आप उसे पेट वाइप से क्लीन करते हो तो वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है, आपको किसी मेडिकेशन किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। बट समटाइम ऐसा होता है कि जो फिलाइन एक्ने है वो इस एरिया में कंप्लीटली पस्टूल्स बन जाते हैं, पस निकलने लग जाती है, तो फिर उस केस में आपको एक वेटरनरी गाइडलाइन लेने की जरूरत है। अब हम बात करते हैं कि फिलाइन एक्ने का एक्चुअली कॉज क्या है, क्या क्या चीजें इसको कॉज करवाती हैं। फिलाइन एक्ने की बहुत सारी रीजन है, जैसे कि प्लास्टिक फूड बाउल। मोस्टली पेट पेरेंट्स ये करते हैं कि प्लास्टिक का फूड बाउल यूज करते हैं, और जो उनका वाटर बाउल है वो भी प्लास्टिक का होता है। प्लास्टिक का फूड बाउल और वाटर बाउल एक कॉज है इसी फिलाइन एक्ने का, इसलिए पेट पेरेंट्स को चाहिए कि वो हमेशा स्टील का वाटर बाउल यूज करें। इसके अलावा जो इसका सेकेंड फैक्टर है वो है स्ट्रेस। समटाइम्स ये होता है कि हमारा जो होता है पेट वो हमें नहीं पता चलता कि किस टाइम वो स्ट्रेस में चला जाता है, हमें नहीं पता कि कैट्स क्यों स्ट्रेस में जाए। समटाइम्स होता है कि उनको जो समन होता है उसमें स्ट्रेस होता है, समटाइम्स किसी बंदे की वजह से स्ट्रेस होता है, समटाइम्स वो वैसे ही जो है कि स्ट्रेस में चली जाती है। तो फिर उसमें ये है कि आप उस टाइम जो है ना, एक तो स्ट्रेस का फैक्टर रिमूव करें, सेकेंडली आप फिलाइल एक्ने का ट्रीटमेंट करें और उसकी प्रिवेंशन की हर मुमकिन कोशिश करें। थर्ड जो इसका मेजर कॉज है, मोस्टली समर्स में देखा गया है कि फिनाइल एक्ने बहुत ज्यादा हो जाती है हमारे कैट्स में और डॉग्स में भी, तो फिर उसको अवॉइड करने का एक जो है ना कि एक होम रेमेडी आप इसे कह सकते हैं, एक मेजर होम रेमेडी ये है कि जब भी कैट्स या डॉग्स पानी पिए, क्योंकि क्योंकि जो है ना कि जो हमारे पेट्स हैं उनका गर्मियों की वजह से वाटर इनटेक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो फिर उसमें ये आपने करना है कि जब भी वो पानी पिए तो उनका जो ये वाला एरिया है वो हो जाता है वेट, उसको आपने किसी ना किसी ड्राई क्लोथ से आपने उसको जो है ना कि आपने ड्राई करते रहना है। फिलाइन एक्ने इटसेल्फ भी बहुत सीरियस डिजीज नहीं है, लेकिन अगर हम इसको अनट्रीटेड छोड़ दें तो ये बहुत सीरियस डिजीज में कन्वर्ट हो सकता है। इसकी वजह से जो है ना कि जो माउथ रीजन है यहाँ पे पस्टूल्स डेवलप हो सकते हैं, इसकी वजह से आपका जो कैट है या जो डॉग है वो खाना पीना छोड़ सकती है। इसीलिए आपने जैसे ही आपके कैट या डॉग को एक्ने हो, आपने फौरन से पहले जो है ना आपने अपने वेटरनेरियन से एक तो आपने गाइडलाइन लेनी है, सेकेंडली जो जो आपको बताया गया है कि जो है ना कि जो वाटर बाउल है उसको स्टील में कन्वर्ट करना है आपने, और आपने जो उसका माउथ एरिया उसकी जो है ना उसके हमें ड्राइंग का ख्याल रखना है, फिर इंशाल्लाह आपकी जो है ना कि जो कैट और डॉग है उसकी एक्ने खत्म हो जाएगी। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।